हेलो है लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव के फर्स्ट का स्ट्रक्चर, आज मैं बताऊंगा आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का के सेकेंड। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरा चैनल का नाम है लक्ष्य स्टडी सेंटर कुर्सों के नाम से यहाँ पर दिखाई देगा आपको, उसे भी आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का प्रेस करो ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस वीडियो को ध्यान से आप देखो ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखते हो लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। आपको केस फर्स्ट में अभी बता चुका हूँ, इस वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए हम केस सेकेंड का प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो जब वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली रहता हो, जब वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली रहता हो, अब नया वर्ड आया है डब्ल्यू एच फैमिली, तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, किसकी परिवार है, डब्ल्यू एच की परिवार है। तो डब्ल्यू एच का मतलब होता है वाट, उसका मतलब होता है वेयर, उसका मतलब होता है हु, उसका मतलब होता है हाउ, उसका मतलब होता है वेन। वाट, वेयर, हु, वेन, उसका मतलब होता है हुज, हुम। तो कहने का मतलब यह है डब्ल्यू एच का मतलब इतना सारा देखो ना, इतना सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लर्न कर लेंगे अच्छे ढंग से कर लेंगे ना, इसका हिंदी में क्या होगा? तो आप जानते हैं व्हाट का क्या होता है, वेयर का कहाँ, हु का कौन, हाउ का कैसे, व्हेन का कब, हुम का हुज का किसका किसके, और इसका भी सेम ही होता है, समझ गए ना। तो क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कब, किसका, किसकी जब प्रयोग करेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले इसको आप लर्न करना आसानी से, जब आपको ये लर्न हो जाए तब आप स्ट्रक्चर पे हम फोकस करेंगे। पहले आपको ये जानकारी होना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ाते हैं, अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो आप उस वीडियो को पॉज करके आसानी से आप देखोगे। देखिए आप स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो मेरा स्ट्रक्चर कहता है एस टी आर यू सी टी यू आर यू, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कहता है यहां पे लिखेंगे डब्ल्यू एच प्लस डू डज नोट, सॉरी सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड साइन डब, ये आपको याद रखना है डब्ल्यू एच डू डज सब्जेक्ट नोट वी वन अदर वर्ड, इतना आप याद रखते हो तो सेंटेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल की हम बात करा, फॉर एग्जांपल में लेंगे हम लोग कैसे पटना जाते हैं। देखिए यहां पे कैसे लगा है, यानी ये इंट्रोगेटिव का के सेकंड है। तो पहले हम क्या करें, डब्ल्यू एच सुन लेंगे, कैसे क्या होता है, हाउ, अभी आपने सीखा तो हाउ, और हाउ के साथ क्या लेंगे, यहां पे वी है तो हम हाउ के साथ ई नहीं लेंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, हम लोग हैं, यानी वी, वी के साथ लेते हैं डू, तो हाउ डू वी, हाउ डू वी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, नोट इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद वर्ब लेंगे तो गो, इतना लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, गो टू पटना, इतना तब आता ही था, अब लिख दो।
हाउ डू वी गो टू पटना? आप क्या पढ़ते हो? आप क्या पढ़ते हो? लिखेंगे व्हाट डू यू रीड। अब बताना पड़ेगा आपको आप क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड। उसके बाद वह कहाँ रहती है, लिखेंगे कहाँ का वेयर होता है, तो वेयर सी साथ डज लगाएंगे, वेयर डज सी, और उसके बाद देंगे लीव, लीव मतलब कहाँ रहती है। वह कब अंग्रेजी सीखता है, कब लगा है when, और when के साथ प्रयोग करोगे do या does, यहां पर करेंगे does, क्या कि उस वह है ना, वह does he। उसके बाद प्रयोग करेंगे सीखना का लर्न होता है, लर्न। उसके बाद आ जाएगा आपको इंग्लिश, ये अदर वर्ड है, अंत में देंगे तो व्हेन डज ही लर्न इंग्लिश, वह कब अंग्रेजी सीखता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए तभी जाके आपको सेंटेंस क्लियर होंगे। अब स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा ना तो एक भी सेंटेंस आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी सेंटेंस प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एक दो सेंटेंस और हमको बताते हैं, आपको दिखाने प्रयास करते हैं, इसको अच्छे ढंग से देख लो आप पहले पॉज करके, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना और मैं अच्छे ढंग से बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाना। जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी तो आप उसको बारीकी बारीकी से पढ़ने का प्रयास करो। अभी हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पर किस सेकंड में है, देखिए वह वह क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है, वह क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है। देखिए क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है, यहां पे क्यों लगा है ना, तो व्हाई डज शी, और नोट लगा है नोट, और पढ़ना होता है रीड, और कितना होता है इंग्लिश, कितना इजी है, देख रहे हैं ना कितना इजी है कि हमारे पास नॉलेज है डब्ल्यू एच का, व्हाई, व्हाई के बाद आप जानते हो डज होता है डज दे देंगे, उसके बाद जानते हो सी होता है ना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मेरा सी है, सी देंगे, उसके बाद नोट दे देंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहे हैं, उसके बाद आप भी रीड देंगे, और उसके बाद आप अदर वर्ड में क्या यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश दे दिए। तो एक सिस्टम में दिया गया है, आप उस स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हो वर्ड को, तो इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलेड वर्ड क्या हो जाएंगे, एक सेंटेंस हो जाएंगे, एक सेंटेंस बन जाएंगे, तो व्हाई डज शी नॉट रीड इंग्लिश। अब बोलना भी सीखोगे इजिली, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा। हमेशा प्रयास रखेंगे स्ट्रक्चर का नॉलेज होना काफी जरूरी, विदाउट स्ट्रक्चर का आप सेंटेंस आप नहीं बना सकते, बना भी लेंगे तो कंफ्यूजन होगा और कभी भी आप दिक्कत में फंस सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप बनाओगे सीखोगे। आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कुछ भी समस्या है तो कमेंट जरूर करो और वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो आप लोगों के बीच अपने दोस्तों के बीच जा सके।